छोटी की दुआ करेंगे आपके लिए। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु अपने प्रिय दास को प्रभु जी, आपने लेकर यहाँ तक आने में मदद किया, प्रभु सहायता किया, प्यारे प्रभु धन्यवाद। अपना पवित्र देवदूत को सम्मान प्रभु संभाल कर लाया प्रभु धन्यवाद। इनके दाएं बाएं में आगे पीछे प्रभु तुम्हारा पवित्र देवदूत साथ रहा संग रहा प्रभु धन्यवाद। और आज जिनकी संगति में प्रभु त्रिदास ने हमारे देश में भाग लिया प्रभु जी, हम आपका लाख को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और त्रिदास को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आप इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। अपने वचनों से प्यारे प्रभु जी तेरे दास से बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु तुम महान है, तुम कृपालु, तुम दयालु मेरे परमेश्वर पिता। तुमने जगत ऐसा प्रेम किया पिया प्यारे पिता, अपना लौता पुत्र दिया, ताकि जो विश्वास करो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आज खुशी के उपलब्ध में पिता हम आपका लाख धन्यवाद देते पिता। 2000 किस्सा पहले प्रभु जी इस पृथ्वी में तुमने जन्म लिया प्रभु जी। आज हमारे हरे के दिलों में प्रभु, हरे के मनों को प्रभु जी एक नया मन, एक नया जन्म दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे सब का उद्धार हो जाए प्रभु जी, और प्रभु हमारे अंधकार से निकलकर ज्योति की संतान बन जाए पिता। ऐसी सहायता मदद कीजिए प्रभु, और तेरे प्रिय दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। इनको जो भी वचन बताते हैं प्रभु जी, आप बोल और बातचीत कर, आप मार्गदर्शन दीजिए पिता। जहाँ तक हम बैठते हैं प्रभु जी, हमारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नासूर बहादुर, मैं आपसे ये बोलूंगा यार, हम तो गधे हैं प्रभु के, है ना, गधों का है लिए। क्यों ऐसा गधे राजा बन गए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई शब्द नहीं है क्या बोलूं, है ना, ना प्रभु के लिए हो रहे हैं ना आपके लिए हो रहे हैं।
कैसे धन्यवाद करे, है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
ठीक है, अगली कड़ी में अपन डॉक्टर साहब को समय देगा और हम प्रभु में से उनको इस्तेमाल करें और प्रभु जो चाहते हैं स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे तो गधे पे बैठे थे, तो गधे के सामने लोग जो है खजूर की डालियां और अपने कपड़े बिछाने लगे, किसके सामने? गधे के सामने। और गधे पे कौन बैठा हुआ था? तो गधे को लगा कि आज क्या बात हो गई, लोग कपड़े का बिछा रहे गधे के आगे। दूसरे दिन वो गधा वापस गया, वहां पे एक भी लोग नहीं था, एक ही थी। तो गधे को समझ ना गया कि गधा क्या है, अपने आप में जीरो है। गधे की कीमत कब हुई थी? जब उसके ऊपर, तो हम वो गधे हैं। हम कौन है? यीशु मसीह के गधे हैं। हम में अपने आप में कुछ नहीं, हमारी कीमत इसीलिए होती है क्योंकि हमारे ऊपर कौन बैठा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप भी वो गधे और गधियां बने जिनके ऊपर कौन बैठे, यीशु मसीह। कौन कौन चाहता कि उनके ऊपर यीशु मसीह आज है ना, तब जाकर के उस आदमी की क्या होगी, कीमत होगी, है ना। ऐसे कोई कीमत नहीं। और देखिए यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर, कि लोगों के दिल में क्या दे, जन्म दे, उद्धार दे उनको, मतलब पापों से क्या करे, चंगा करे, पापों से छुटकारा दे, है ना। लोग डॉक्टर के पास काहे के लिए आते, बीमारी से ठीक होने के लिए। कोई अच्छा आदमी आता है क्या कि भाई मेरे को भी देख ले ऐसा करके? लेकिन जिसको तकलीफ है वो आता है, किस बात के लिए आता है, ठीक होने के लिए, मुझे ठीक कर दो साहब, मुझे ठीक कर दो। हमारा डॉक्टर कौन? और हम उसके पास क्यों जाते हैं? ठीक होने के लिए, कि जो पाप मेरे अंदर है उनको क्या कर, क्षमा कर। और यदि हमको लगे ही नहीं कि हम पापी हैं तो काय को जावे, है ना, जाते ही नहीं ना फिर तो। तो पहली चीज जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ना, तो संसार जो है दो भागों में बट गया। एक भाग वो था जो पढ़ा लिखा था, जो पैसे वाला था, और जो अच्छी ऊंची पोस्ट रखता था। अब पढ़े लिखे लोगों में जो समाज का सबसे बड़ा पंडित था उसको भी मालूम था यीशु मसीह आ रहे, लेकिन उसको भरोसा ही नहीं कर। सबसे बड़े पंडित ने क्या करा, भरोसा ही नहीं किया। और उसके बाद यीशु मसीह उन राजाओं के पास में, वो हेरोदेस नाम का राजा था, उसके पास में ये खबर पहुंची कि राजाओं का राजा पृथ्वी पर आया है। तो बजाय उससे मिलने के उसने बोला जब मैं यहां राजा हूं, यहां दूसरा कौन आ गया। और जितने बच्चे थे आसपास में, 2 साल से छोटे लड़कों को उस राजा ने मरवा डाला। होना क्या चाहिए था, अरे सबसे बड़ा डॉक्टर आया है तो उसके पास इलाज के लिए चले कि उसको मरवा डाले। और इन्होंने क्या करा, मरवा डालने के लिए सब बच्चों को मरवा डाला, सब लड़कों को,
सब लड़कों को जो 2 साल से छोटे थे उन सबको मरवा डाला। एक बड़े आदमी ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने, और जो समाज के जो बड़े बड़े लोग थे, जो उस समय के पंडित कहलाते थे, उन पंडितों ने भी यीशु मसीह को क्या कर दिया? भरोसा नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने उस पर भरोसा किया, तो वो सबसे नीचे तबके के लोग जो बकरी चराते ना, उनको आप क्या बोलते हो? ग्वार बोलते हैं ना। वो ग्वारों पर स्वर्गदूत लोगों ने प्रकट किया कि इस जगह में राजाओं का राजा जन्मा है। तो जब वो दूत आए और उन्होंने कहा कि राजाओं का राजा इन ग्वारों से कहा, तो ये लोग देखने गए उसको कि देखे तो सही, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसको देने के लिए तो क्या करा मालूम? अपना दिल ही दे दिया। क्या दे दिया? इस मसीह को आपका पैसे चाहिए क्या? आपका सोना चांदी चाहिए क्या? आपका जमीन जायदाद चाहिए क्या? आपका मकान चाहिए क्या? उसने पूछा कि आप गोरे हो या काले हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, या भारत में रहते हो या अमेरिका में रहते हो, ये पूछा क्या उसने? उसने ये पूछा कि बंबई में रहते हो कि यहाँ खेड़ी में रहते हो, ऐसा पूछा क्या? वो बंबई के लोगों के लिए भी आया और किसके लोगों के लिए भी आया, लेकिन वही दो हिस्से बटे में, एक हिस्से में लोगों ने क्या करा? भाग जा भाई। तो दूसरे ने क्या करा? मेरे दिल में आ जा। दो प्रकार के लोग, दो प्रकार के लोग। एक ने क्या करा, और जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने नकारा किया, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो पैसे वाले लोग थे, वो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग थे। पूरा समाज उसके विरुद्ध आ गया, पूरा समाज उसके। और जो उसके पास आए वो कौन थे? वारे थे। नंबर एक। नंबर दो, वो ऊपर जो स्वर्ग में जो दूत है ना, वो दूतों को मालूम था। आपने किसी दूत पुरुष को देखा क्या है? उन लोगों को मालूम था ये जो जन्म ले रहा है वो कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और तीसरे जो महत्वपूर्ण है, आप रोज तारे देखते हैं, रोज तारे तो देखते हैं ना आकाश में, आपको समझ में आता है इसमें सबसे ऋषि कौन है? इसमें मृग सीरा किसको बोलते हैं? आपको पल्ले पड़ती है। तारों का ज्ञान कितने को है आपके बीच में से? एकाधिक को है? एकाधिक को भी तारों का ज्ञान? रोज तारे देखते हैं ना, रोज देखते हैं ना, तो गांव में तो अच्छे दिखाई देते हैं। तारों का कुछ ज्ञान है? ज्ञान तो कहते हैं किसी को मालूम? तो जिसको मालूम है वो कितना पढ़ा लिखा है? जिसको तारों का ज्ञान है वो कितना पढ़ा लिखा है? बहुत ज्यादा। उसने तारों को तारों से पहचाना कि एक राजाओं का राजा जन्मा है, और 3 महीने के करीब, ऐसा बोलते हैं 3 महीने से वे चले, और सबसे अच्छा
जो इनाम था, गिफ्ट था, उपहार था, उसको लेकर के चले कि जब राजाओं का राजा मिलेगा ना तो उसको ये देंगे। और वो तारा उनके आगे आगे चला, दूसरे तो बेवकूफ, उनको क्या पल्ले पड़े, लेकिन इनको पल्ले पड़ रही। वो तारा चलना का, तारा किस जगह रुकेगा, तारा कहां ठहरेगा, ये सब उन्होंने कहां से मालूम करा, कितने महीने चले, 3 महीने चले। 3 महीने के बाद में जब वो राजा के पास आए, जो उस समय का राजा था, और उससे कहा कि शायद तेरे घर में वो जो बच्चा जन्मा है वो राजाओं का राजा है। बोले है? मेरे घर में कौन जन्मा? यही तो वो हेरोदेस राजा, जिसने बोला अच्छा। जब फिर उनको बुलाया और बोला कि जब तुमको मालूम पड़ जाए ना वो बच्चा कहाँ है तो मेरे को भी बताना, मैं भी जाकर के उसके आगे सिर झुकाऊंगा। वो क्या करना चाहता था मालूम? वो मारना चाहता था उसको। बोला क्या उसने? बोला क्या उसने कि मैं सिर झुकाऊंगा, लेकिन अंदर क्या था? मारना चाहता हूं, ये अपराध था। देखें, इसी प्रकार के लोग अभी भी होते हैं, बाहर से कुछ और अंदर से बोलते कुछ और करते कुछ और। समझ में क्या हुआ? मरीज हमारे पास आता है ना तो खांसता रहता, खाका 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 खाका, तो मैं ये पूछता हूँ कि अरे बीड़ी पीता? बोले नहीं साहब। तो मैंने बोला बीमारी हवा से आ गई? बोले मैं आप पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ, है ना? बोलेगा कुछ और, रहेगा कुछ और। और आज की दुनिया कैसी है? ऐसी ऐसी ऐसी, बोलती कुछ और है और करती कुछ और। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जैसे यहां रहे वैसे कहां रहना? दिल में। दिल में भी क्या चाहिए? वक्त आया तो कहां घुसना हुआ? वक्त आया तो इधर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और देखें, मैं एक हिस्सा बाइबल से आपके लिए पढ़ता हूं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार का 2 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का 2 अध्याय उसके पहली 11 आयतें 12 आयतें और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम कर दिया है। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और तब उसने लोगों के सब प्रधान याचकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा भी लिखा गया, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, सितारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए
तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने कुर्मों में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले। देखे उन गुआरों ने क्या क्या भेंट चढ़ाई, गुआरों ने क्या दिया, उनके पास सोना चांदी था क्या, क्या दिया, अपना दिल दिए, कुछ है नहीं, हम क्या चढ़ाए। और ये जो समझदार थे 3 महीने लगा करके वहां पहुंचे, इन्होंने क्या दिया, सोना दिया। आप में से किसी का बच्चा पैदा होता है कितने लोग सोना देते हैं, है ना, 47,000 रुपए का 10 ग्राम, 50,000 रुपए का 10 ग्राम, बोले एक बाली भी ले जाएंगे तो बोले 10,000 की, 15,000 की बोले, है ना, एक चूड़ी बनाने जाएंगे तो 25,000 की बोल देगा, है ना, नहीं नहीं ये नहीं, एक ड्रेस ला देंगे, है ना, लेकिन क्या नहीं देना, सोना। सोना किसको देते मालूम, राजाओं को देते। ये सोना क्या बताता था, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये कौन है, ये राजाओं का राजा। ये किसने बोला, स्वर्गदूतों ने बोला, ये ज्योतिषियों ने अपनी भेंट के द्वारा। दूसरी चीज, जो पंडित थे उसे उनको याजक कहा जाता था, वो याजक जो है, इस आदमी ने पाप करा, उसने पाप करा, उसने पाप करा, इन सब के लिए लेकर के भेंट जो है वहां जाता और उसमें जो बलिदान का लहू होता और उसमें लोबान होता वो चढ़ा, लोबान चढ़ा। उन्होंने दूसरी भेंट का भी लोबान दिया, लोबान क्या, लोबान क्या बताता था, ये बालक जो पैदा हुआ है ये क्या है, हम सब का महापंडित है, हम सब के लिए पिता के सामने कौन जाने वाला है, ये बालक जो उत्पन्न हुआ है। दूसरी भेंट क्या बताती थी कि वो क्या है, महापंडित है, महायाजक है, जो आपके लिए और मेरे लिए किसके पास जाएगा, पिता के पास जाएगा कि हमें पापों से क्या करें, छुटकारा दे। दूसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात, वो हम सबके लिए क्रूस पर चढ़ेगा, उसकी मृत्यु होगी, ये बालक मरेगा हम सब के लिए, ये पैदा ये परमेश्वर तो है लेकिन मरेगा किसके लिए। तो तीसरी भेंट जो थी ना वो गंधरस, गंधरस क्या होता है मालूम, आपने अभी YouTube पे देखा, ये पिरामिड वगैरह मिस्र में बनते हैं, वो क्या करते थे मालूम, ये शरीर को सड़ने नहीं दे इसके लिए उसके ऊपर लेप लगाते, शरीर को सड़ने नहीं दे तो क्या करते थे, वो लेप लगाते थे और वो लेप काय का होता था मालूम, गंधरस का होता, गंधरस का होता। तो ये बालक क्या होने वाला है, मरने वाला, सारी दुनिया के लिए क्या होने वाला है, मरने वाला। ये इन भेंटों ने बताया, सोना ये बताता था कि ये राजाओं का राजा है, लोबान ये बताता था ये महायाजक है, और गंधरस ये बताता था ये हम सब के लिए मरने वाला है, मरने वाला। ये बात कहां से मालूम पड़ गई, वो तारे से।
आकाश के चिन्हों से मालूम पड़ गई। किनको मालूम पड़ गई? जो जानते ही नहीं थे उनको वहां से मालूम पड़ा और उन्होंने ये भेंट चलाई। यदि आपके पास सोना और लोबान और गंधरस नहीं है तो क्या चढ़ाए? कितने लोग जेल चढ़ाना चाहते हैं और कितने सोना चढ़ाना चाहते हैं? दिल चढ़ाना चाहते हैं ना? बस ये बात प्रभु को बताओ, दिल से बताओ कि मैं पैसा नहीं। आप बैंक में लोन लेने जाओ बोला 1,00,000 रुपया दे दे, बैंक में तो लिखा 5 करोड़ दूंगा। 1,00,000 रुपया लेने जाओ लोन का, एक फॉर्म पे साइन कराएंगे और फॉर्म में पहली चीज बोलेंगे पिछले 10 साल का इनकम टैक्स बताना, पहले तो पहले नंबर क्या पूछा? सरकार को दिया कि नहीं दिया अभी तक कुछ? तो नंबर 1 पे राइट लगाए या कट लगाए, और दिया तो वो नंबर क्या है? कार्ड होता है, जैसा आधार कार्ड होता है ना, जो टैक्स भरता है उसका क्या होता है? कार्ड होता है। वो कार्ड का नंबर बताओ, वो देख लेंगे कि कितना टैक्स है। दूसरी बात पूछेंगे तनख्वाह कितनी मिलती है साहब एक महीने में? एक महीने में तनख्वाह। तीसरी चीज पूछेंगे घर है कि नहीं? घर है तो उसकी रजिस्ट्री की फोटो कॉपी बताओ। चौथा चीज पूछे गहने कितने हैं, उनका तोल कितना है, चांदी के कितने, सोने के कितने, और तांबा न पीतल ये कितना वजन बताओ। ये चौथी चीज जमीन है क्या, जमीन है क्या, गाड़ी घोड़े हैं क्या, और दूसरे बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, जब ज्यादा हो जाता तो एफडी बनाते हैं ना कि चल रहे भाई 2,00,000 आ गए इस फसल में तो 2,00,000 को क्या कर रहे हैं, एफडी बना दे। ऐसे एफडी वगैरह है क्या बैंक? तो बोले दादा ये 1,00,000 रुपए लेके भरेगा कैसे? तो बोले तो भिखारी की कीमत में यार है ना 20,000 रुपए मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। आपकी कीमत किसने अदा करी कैसे मालूम करा? आपकी इन बातों पर यीशु मसीह से जो है जब ये चीज कही गई तो यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना पढ़ा लिखे हो तुम, कितने जो है तुम्हारे जमीन जायदाद है, कितने जो है जवाहरात है सोना चांदी है, ये कुछ नहीं पूछा। उसने तो क्या बोला? तुम्हारा दिल, इससे अच्छी बात और कुछ चाहिए? इससे अच्छी बात कुछ और चाहिए? मैं बंबई में जिस डॉक्टर के साथ काम करता था वो वहां का राजा कहलाता है, बंबई का राजा कहलाता है, और उसकी देखने की फीस 50,000। कितनी? और जिसके पास नहीं है तो वो बोलता था यहाँ का बात सरकारी जा, सरकारी इकाई के लिए, गरीब का लोगों के लिए, हम महाराज को दिखाना है तो कितने देना है? यार भाग जा, यार भाग जा। ऑपरेशन करने की फीस है 8 से 10 लाख रुपए, 8 से 10 लाख। जिनके हार्ट अटैक आ जाए ना उनके ऑपरेशन, तो लोग कहीं तो जिनके पास पैसा है वो तो आ जावे, और जिनके पास पैसा नहीं है उनने बोला कब जाएंगे यार, कब जाएंगे इस दुनिया से, कब जाएंगे इस नाम लोग। वो आदमी आपको यहाँ आकर के खेड़ी में खड़ा हो जाए और बोले मैं आज फ्री में देख रहा हूं, तो कितने लोग जाए? पूरा खेड़ी में मर जाए।
है ना। अरे खेड़ी क्या पूरा रावटी ना पूरा रतलाम ना पूरा सब सब मर जाए है ना, क्योंकि नहीं तो देखने की कीमत कितनी है। और बम्बई में लोग हवाई जहाज से उतर के सीधे अस्पताल में ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद सीधे फिर हवाई जहाज में बैठे और अपने अपने घर। लेकिन हर 10 ऑपरेशन में से 9 ऑपरेशन विदेशी लोगों के, भारतीय लोगों के पास जिनके पास पैसा नहीं है वहां नहीं, वो कहां जाना सरकार। और यदि इस उद्धार की कीमत, इस मोक्ष की कीमत वो राजाओं का राजा कुछ रखता तो लोग बोलते ले ले भाई, ये ले ले भाई, मेरे को मोक्ष मिल जाए। लेकिन उसने उसकी क्या करी, कीमत ही नहीं रही, फ्री में जो है ये पापों का इलाज करूं। तो कई लोगों ने बोला हम तो नहीं आएंगे और कई लोगों ने बोला नहीं हम आएंगे। अब किस में जाना चाहते, उन लोगों में जो नहीं जाना चाहते या उन लोगों में जो जाना चाहते। सो ये क्रिसमस का सही मतलब है, ये क्रिसमस का सही मतलब है कि यीशु मसीह कहाँ आए, मेरे दिल में। उसने कोई पैसे मांगे फोकट फोकट, इसकी कीमत है, इसकी कीमत जाने। और उसको कहाँ जन्म दे, दिल। उसको सोना चांदी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए आपका, है ना। और जब वो आएगा तो सारी चीजें, बीमारियां भी ठीक करेगा, शैतान भी भागेंगे, सारी चीजें अच्छी होती है। इसको दिल देना चाहते हो, देना चाहते हो, कौन कौन चाहता है दिल, कौन कौन देना चाहता है, सब हाथ नीचे करो। मैं सबके लिए दुआ करूंगा कि प्रभु यीशु का जन्म इसके दिल में हो, ये जिन सब ने हाथ उठाए ना इनके दिल में कौन आ जाए। आए दुआ करें, आंखें बंद करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि लोगों के हृदय में धर्म, और प्रभु पृथ्वी पर आपके आने से पृथ्वी दो भागों में बढ़ गई, एक जो शैतान के बस में चले गए और उन्होंने अपने जीवन को शैतान को समर्पित करा, जिसका परिणाम मृत्यु और पाप और सारी बुराइयां रही और वह अनंत नरक रहा। लेकिन जिन्होंने आपको अपने दिल में जन्म दिया प्रभु, उनके लिए वो स्वर्ग रहा। खुदावंत हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं, और इन्होंने अपने हाथ उठा करके ये बताया कि आप इनके हृदय में जन्म ले, और प्रभु क्रिसमस का दिन इनके जीवन में पूरा। और प्रभु जब स्वर्ग में पहुंचे तो हम वहां एक दूसरे को देखने वाले हो सके और ये कह सके कि प्रभु धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद, आपने पैसे नहीं मांगे, आपने कलर नहीं मांगे, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी, आपने और नहीं मांगी, आपने जमीन जायदाद नहीं मांगी, आपने कुछ और नहीं चाहा, आपने सिर्फ हमारा हृदय। प्रभु क्या कहे, किस रीति से धन्यवाद। पृथ्वी के लोग है प्रभु, पृथ्वी का सब सोच है, पृथ्वी की सी समझ है प्रभु, और आप स्वर्गीय पिता ने हम पर दया करें, हमारे कामों के कारण से नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण हम आपके सामने खड़े हो सके, जैसे है प्रभु आपके पास आते। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंखें देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो हृदय देते हैं तो खुद भी सोचते हैं और समझते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे बीच में अपनी उपस्थिति बनाए रखने, सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।
निकाल सकते बाहर और दो जना आ जाओ बाहर पर आओ बाहर किसान फिनिश हालेलुया पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु डांस के कंट्रोल के लिए हालेलुया परमेश्वर ने हमारे एक ड्रीम है हालेलुया मुक्ति दिया शांति दिया हालेलुया तो प्रभु इस संसार में आया हमें जीवन देने के लिए शांति देने के लिए हालेलुया आपसे कुछ मांगा नहीं हालेलुया दिल मन पर विश्वास करना प्रार्थना करूंगा पापा को पश्चाताप करूंगा प्रभु मुझ पर दया कर तो अपने अंदर पापों की क्षमा आएगा और अपना शरीर में चंगाई स्वागत किया प्रभु जी सम्मान देते आपका वचन में लिखा मेरे परमेश्वर यह प्यारे प्रभु तेरे दासों का नहीं लेकिन प्रभु तेरा स्वागत क्या मेरे परमेश्वर पिता प्रभु तेरा वचन में लिखा कोई मेरे दास का छोटे से छोटे बालक को मेरे दास समझकर एक ठंडा ग्लास पानी पिलाएगा उसका भी प्रति फल उसको मिलेगा हे प्यारे प्रभु जी इस परिवार ने ना तो भाई ने प्रभु जी गांव वालों ने प्रभु कलीसिया ने मिलकर तेरे दासों ने दिल से स्वागत किया प्रभु जी आगे शिष्य भर देना आगे चंगाई देना प्रभु जी इनको प्यारे प्रभु 2022 साल एक नई खुशी के साथ गुजार अपने प्रार्थना करते मेरा प्यारे प्रभु जी धन्यवाद प्यारे प्रभु जी जो भोजन प्यारे प्रभु जो परिवार बना रहे प्रभु जो सुबह से मेहनत कर रहे प्रभु जी भोजन बनाने वाले भाइयों के भी प्रभु बुद्धि दो जान दो समझ दो वो भी एक दिन प्रभु जी तेरे लिए दिन खोले तेरे लिए जगा दे पिता परमेश्वर लेकिन उनका भी उद्धार हो जाए प्रभु जी और उनका जीवन अनंत जीवन बदल देना प्रभु प्रार्थना करते आज कई परिवारों के अंदर आपने जन्म लिया प्रभु जी नया जीवन दिया धन्यवाद एक नई शांति दिया है जगा दिया है प्रभु जी धन्यवाद पिता सृष्टि के मालिक पिता प्रार्थना सुना धन्यवाद पिता प्रभु जी तेरे दास हमारे प्रभु राम साहे प्रभु हम लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु एक अच्छी संगति के लिए प्रभु और भी बेटी संगति के लिए धन्यवाद करते हैं को फिर से मिले प्रभु और तेरे नाम की ऊंचाई उठे प्रभु तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु हमारा नाम कटे मेरे प्रभु तेरे नाम की बड़ाई हो पिता प्रभु प्रार्थना सुना धन्यवाद छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम मांगते आमेन 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 आइए प्रभु की प्रार्थना करें यहोवा तुझे आशीष देव तेरी रक्षा करे यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पे चमका तुझ पे अनुग्रह करे यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे दे आमीन और फिर आमीन सबको बड़ा दिन की मुबारक सबको जय मसीह की जय वाह धन्यवाद धन्यवाद आप सबको धन्यवाद और जो जो अपन यहाँ बैठ के आराधना करी वो कल सुबह तो यूट्यूब पे देख ही सकते हैं आप और दूसरा चीज आपको ऐसा एक शब्द मेरा नाम डालना पड़ेगा वहाँ पे नाम अंग्रेजी में ये बता देंगे बहादुर और नाथू के पास भी मैंने लिखवा यूट्यूब पर खोलना हो तो मैं रोज सुबह छः बजे बाइबल का अध्ययन लेता हूँ और उसमें हमारे साथ देश विदेश के कई लोग जुड़े हुए हैं आप भी आधा घंटा के लिए रहता है आप अपने वेट वो खोल सकते हैं अभी रात में 11 बजे फिर से आराधना है आप उसको देख सकते हैं कल सुबह फिर से 8:30 बजे लेकिन अंग्रेजी में है लेकिन मैं जावरा जाऊंगा वहां पर भी आराधना है सो आराधना 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 सारी दुनिया में सो आप सब देख सकते हैं अपने आप को देखेंगे कल सुबह जय I am the Lord. There is no other God. I have proclaimed.
prepared you, even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.